84 का माहौल किया जूगा। 84 का माहौल साढ़े लिए कोई माड़ा माहौल नहीं सी, नौजवान नशे नहीं सी करते, साढ़े लिए वो सुनहरा दौर है। ये तो कल को कह दूगा चमकौर की गढ़ी के काला दौर आ गया सी, महाराज की कृपा के नाल नशा खत्म कर दे, नशा खत्म कर देंगे। तो वही गल है कि जिस तरीके नौजवान इतने पहुँच रहे हैं, हुंगारा भी चंगा देंगे पे ने, नौजवान देंगे पे ने हुंगारा। तो आने वाले समय से लगता है कि हर नौजवान कितने ना कि पंजाब गुरु के लड़ लगेगा। देखो हर सिख ने खुआर होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो होए हर सिख ने खुआरी चल के गुरु को ही आना है। सो इस करके हर नौजवान जोड़ा वो गुरु के लिखे भी लगेगा, वो कौमी संघर्ष भी करेगा, क्योंकि सिख नौजवानों हूँ लंबा समा सिखी तो दूर नहीं रखा जा सकता। गिनती आ चुकी है नहीं, मैं कोई असी इस बार कोई डाटा नहीं रखिया, पिछली बार भी नहीं रखिया, वो क्योंकि उत्थे ही जाके पता लगेगा श्रोमणी कमेटी दे, असी 9 बजे सद्या से करके 12 बजे शुरू होना। पंजाब दे नौजवानां नूं लोकां नूं अपील कीती सी कि आके गुरु वाले बनो, किन्ना हुंगारा मिलिया लगदा? देखो बहुत पिंडां दे विच भी अमृत संचार हो रहा, जिथे समागम च गए हैं 2-2, 4-4 सौ नौजवान उत्थे अमृत छक रहे हैं, बीबियां भैणां रल के। सो असी ये कहने भी जरूरी नहीं भी इसे तख्त ते आके छकना, तुसीं जिथे भी अमृत संचार तुहाडे लागे हो रहा उत्थे अमृत छकना जाके, तो अमृत छक के गुरु के सिंह बनना है। ये हर महीने आप अमृत संचार महाराज की कृपा के नाल इत्थे होया करूगा, इत्थे नहीं होर तख्तों पर भी होया करूगा, जिथे भी होया करूगा होका दया करांगे संगत पहुँचा करूँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कितना सहयोग दिया जा रहा है? नहीं देखो उन्होंने सहयोग, ये गुरु का स्थान है, कमेटी वह प्रबंध देख रही है, असी अमृत संचार की गल की है, कोई होर तो गल की नहीं, तो उन्हों का फर्ज बनता है। हजे प्रबंधा के बारे सूँ बहुत पता नहीं, पर यह आ भी जो कि ना लई दा जो हो जूगा उस बाद दसा। कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने की सुनेहा देना चाहते हैं? 84 वाला दौर फिर कोशिश की जा रही है। मैं तो तुम्हें बेनती करना कि जेडे बेसलैस गल करते उन्होंने गड़ी माइक ना कराया करो। 84 का माहौल तुम दसो भी इतने कि 84 का माहौल आ रहा दोबारा, नौजवान जो सिखी ना जुड़ के वापस नशे छड़ देंगे तो 84 का माहौल किया जूगा? तो 84 का माहौल साढ़े लिए कोई माड़ा माहौल नहीं सी, नौजवान नशे नहीं सी करते, टीके लागने से मरते, संघर्ष करके मरते, शहीदी प्राप्त करते, तो शहीदी का दर्जा बड़ा उच्चा होंदा है। ये माहौल काला दौर कह के असी भंडिया है, साढ़े लिए वो सुनहरा दौर है। ये तो कल को कह दूगा चमकौर की गढ़ी के काला दौर आ गया, कोई कह दूगा भी बंदा सिंह बहादुर ने काला दौर लैंदा पंजाब च आके। सो इस करके ये दौर चिट्टा ही है, अज जो चिट्टा दौर चला लिया अपना वो कि सहायक है। सो इस करके लोगों को समझना चाहिए, गुलामी दी गुलामी दी गुलामी दी गुलामी दी गुलामी कितनी है, गुलामी कराया जाएगा, पर एसजीपीसी वालों हर हफ्ते बुधवार को सबसे बड़ी गुलामी सबसे बड़ी ये है। कल एक निहंग सिंह नौजवान नु यूपी दे विच भाइयों ने ट्रेन च सुट के कतल कर दिता, कोई पंजाब दी खब्बे पक्की धिर बोली कि सिखां नाल धक्का हो रहा, कोई बोलिया कि सिखां नाल धक्का हो रहा, क्यों नहीं बोलते? जे कि सिखां ने किसी भइए दे चपेट भी मारी होंगी तो इन्हें धरने मोर्चे लाने से, इतने भइए सिखां दीआं पंगा ला के उन्होंने कुट रहे हैं। तो हुण तुसीं देखो भी जे सिखां ने गाड़ियों जवाब देता फिर सारे चीकां मारनी, मैं पहला कहना हुण बोल पाओ बाद ना बोलियो, बाद फिर जो बोलने वाले आ वो भी विचे मतलब उन्हों का भी जूत पतान होगा विचे ही। हरियाणा कमेटी नूं लैके तुसीं राती कहा सी कि इह गलत है बिल्कुल, इसका की लगता है इसका जिहड़ा वा एक मैं ये गल कहना भी श्रोमणी कमेटी जो कोई संघर्ष करना चाहती है संघर्ष करे, भी सेंटर के अधीन या कानून के अधीन साड़ी कमेटी नहीं चल सकती, सिखां दी सॉवरन कमेटी है, सिखां दी कमेटी आपे फैसले करे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनावे, आप मतलब अपना जिहड़ा जज बिठावे आप फैसले करे। तुसीं उन्हां दे नाल ही हरियाणा जाके विरोध करोगे जे जरूरत पवेगी? नहीं देखो जे ते दिल्ली हुकूमत के खिलाफ कितने भी करना है विरोध का कोई तौर तरीका हो, जो कोई कहे काले लीड़े पा के चल जाओ मैं नहीं कम कर सकता। हाँ ये है भी जो कोई संघर्ष करना है तो हकों लिए संघर्ष करना है तो पंजाब की चढ़ती कला करना उत्थे पहुंचना। सब तो वड्डा मुद्दा गुलामी का मुद्दा है, पंजाब के उत्ते गुलामी है, पंजाब नूं दबना चाहुंदे आ। इस गुलामी तो निकलण लई कोई आरंभता कीती कोई रूप है? देखो इहो ही गुलामी तो जदों आपां भय तों मुक्त हो गए अमृत छक के नौजवानों नूं अपील कीती है, जदों डर ना रहा अंदर मौत का डर ना रहा तो फिर कोई नहीं गुलामी आपे दूर नहीं, गुलामी की चीज़ होंदी गुलामी डर जो होगी। आपसी भाईचारक सांझ की गल कीती जा रही है वो कायम रहेगी पूरी है? साड़ी हर एक उस बंदे नाल सांझ है जिहड़ा पंजाब प्रस्त है, जिहड़ा पंजाब विरोधी है, वो चाहे सिख है चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उन्हें कोई सांझ नहीं, उन्हें सांझ रखने की लोड़ भी नहीं। सानू क्या महीने बाद जिहड़ा वा इस तक ते अमृत संचार करवाया जाएगा, लेकिन इत्थे हर हफ्ते च नहीं 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 महीने बाद दो दिन होंदा हफ्ते दे विच, एतवार बुधवार संगरांद वाले दिन भी होंदा। उहदे च की आ भी असीं इह गल कीती आ भी असीं हर महीने एक तख्त ते काल दिया करांगे उत्थे नौजवान पहुँचा करेंगे, क्योंकि फिर उत्थे इंतजाम वक्रे तरीके नाल करने पैंदे। आम दिनां च संगत एक नॉर्मल नंबर च संगत अमृत छकदी है, जिथे काल दित्ती हुंदी उत्थे संगत वधदी है। सो इस करके एक महीने च एक वारी किते ना किते इंतजाम करके अमृतपाल अमृतपान की गल करदा पिया हुकूमतां दे निशाने ते क्यों? देखो जिहड़ा भी मनुख सिखी की गल करूँ सिखी की चढ़ती कला गल करूँ 500 साल हो गया
500 साल वह मनुख हमेशा हुकूमत की निशानी तो रहेगा। 500 साल सिखा ने यह वेख्या सारा कुछ, हर हुकूमत वेख ली है।